असल नमस्कार सस्त्रकाल मैं हूं अरशद बीसरूर आप देख रहे हैं मेवात आज तक आइए दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है नूह विधानसभा क्षेत्र के गांव सलम्बा में आपको दिखाना चाहता हूँ सनसनी खेज खबर एक ऐसी खबर जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा और मैं साथ ही साथ मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ कि सुन इस बच्चे की पुकार जो बच्चा हमारे बीच में बैठा है यहाँ सरपंच साहब एक ग्राम पंचायत सलंबा का हमारे साथ आबिद मौजूद है यहाँ पे पूर्व सरपंच सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मौल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कई साथी हमसे जुड़ चुके हैं यहां किसले में टीम आई वो, वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा जो बच्चा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये जो बच्चा है ये उसी दिल्ली दंगे से भटक गुड़गांव में होते हुए हो, मेवात तक पहुंचा है और ये बच्चा के कुछ ग्रामीणों को मिला है तो अब किस हालत में आपको दिख रहा है इसके गंदे कपड़े हैं न जाने एक हफ्ता पहले आया दस दिन पहले कब आया ये और पूरी जानकारी हम आपको देंगे पहले इस बाद में इस बच्चे से बात करेंगे सबसे पहले हम ई भाई से बात करते हैं जिनको ये बच्चा मिला है यूजर से मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो एक शेयर जरूर करें ताकि ये बच्चा अपने घर कोई अपने बच्चे को पहचान ले तो जी आपको ये बच्चा कैसे मिला था सुबह सुबह जब हम यहाँ रोड पे आए जी तो ये सुबह सुबह तरफ जा रहा था मन की येडी सी एक अच्छा तो मन कि भाई तू कहा गांव में मुड़ गया मैं दिल्ली जाऊंगा ये हमसे रास्ता पूछने लगा अच्छा आज आज सुबह अच्छा आज की बात है ये कहने लगा मैं दिल्ली जाऊंगा मुझे रास्ता बता दो जी मैंने कि दिल्ली जाएगा ऐसे पद अकेला, अकेला, था अकेला था अच्छा तो मैंने हमने इनको बुला के इनके चाय पानी यान कुछ ना पी और चाय वाय पियाई रोटी वोटी रोट खवाई उसके बाद में सरपंच साहब से अब जी इसका संपर्क हो गया आप इसको सरपंच के यहाँ लेकर आए जी तो ये ये सब भाई ये इन्होंने इस बच्चे को देखा है कि एक कोई रहड़ी थी उसको चलाते हुए ये रोड से जा रहा था और जैसे ही सलम्बा गांव के समीप पहुंचा तो ईशा भाई ने ये सोच करके कि किसी का बच्चा लावारिश है तो इसको ये अपने घर ले कर गया उसके बाद इन्होंने इसको खाना वाना खिलाया उसके बाद इन्होंने जो ग्राम पंचायत सलम्बा के जो मौजूदा सरपंच हैं उनके घर इसको ले कर आए हैं तो इन्होंने फिर मुझे कॉल की जिस तरीके से हमारी वीडियो वगैरह देखते हैं तो फिर मैं सलम्बा गाँव पहुँचा हूँ तो दोस्तों फिलहाल मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और फिलहाल मैं जो सरपंच साहब मेरे साथ जुड़े हैं सलम्बा के उनसे भी बात करना चाहता हूँ सरपंच साहब ये जो बच्चा है जी। इस बच्चे को इसके घर तक पहुंचाना है तो हम इसे लेने के लिए जैसे कि आपके गांव से मेरे पास कॉल गई थी इस सब भाई की और कई लोगों ने बताया कि ऐसे से लावारिस बच्चा है और जो बता रहा है शायद बच्चा है इसको पूरी तरीके से होश नहीं है तो ये कुछ बातें बताता है दिल्ली का कोई एड्रेस बता रहा है कि मैं वहाँ का हूँ और बताता है कि मैं वहाँ की लड़ाई वड़ाई के दौरान ये वहाँ से निकल आया था हाँ तो ऐसे में हमारा भी और आपका भी सर्व समाज का फर्ज बनता है कि इस बच्चे किसी तरीके से इसके माँ बाप तक पहुँचाना ये खैर बाद की बात है इसके माँ बाप जिंदा है या नहीं है बहुत से लोगों की वहाँ पे जो है मृत्यु हुई है तो फिलहाल फिलहाल हम आपके पास इसलिए हैं क्योंकि आप ग्राम पंचायत सलाम्बा के इस वक्त मौजूद सरपंच हैं तो आपसे आपकी हाजिरी में आज ही के टाइम में ये सब भैया आपके यहाँ लेके आए हैं और हम आपके मार्पति इस बच्चे को आ, ले जा रहे हैं अपने साथ और इसके माँ बाप तक चाहे हम मीडिया के माध्यम से या फिर आ, पुलिस के माध्यम से हम इसके घर तक इसको पहुँचाएंगे तो आप क्या कहना चाहोगे इस बच्चे के लिए हम ये कहना चाहते हैं इस बच्चे के लिए जो हमसे सहयोग हो होगा जी हमारी पंचायत से जी। और जैसे ये परिवार दुखी हो रहे हैं उनके हुए हम पूरी सहयोग करेंगे लेकिन जो ये एन चल रहा है इसको ये सरकार ध्यान दे और इसको ऐसा ना होना दे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई इसका तो तो कोई धर्म नहीं है इसका तो कोई धर्म, तो तो है। तो कोई धर्म नहीं है लेकिन ये क्या? ये बच्चा है और सब बच्चा बच्चे तो सबके ऐसे ही होते हैं इस मासूम को कुछ पता नहीं कि कहा है लेकिन जो हमसे सही होगा इनशाला हम भाई के साथ हैं और इस बच्चे को जो भी सही होगा हम एक बार नहीं बार बार तो ये थे मेरे साथ में आबिद हुसैन सलम्बा गाँव के शर्मा जिन्होंने बहुत अच्छी बात बहुत बड़ी बात कह दी है कि हम इस बच्चे के भी और उन दुखी ही परिवारों पीड़ित परिवारों की भी हर तरीके से मदद के लिए आगे आएंगे ग्राम पंचायत सलंबा और बाकी लोगों से भी इनकी मदद के लिए जैसे भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वो उस सेवा के लिए तैयार है तो फिलहाल हम सरपंच साहब के मारपत इस बच्चे को अपने ऑफिस पर लेके जा रहे हैं मेवा आज तक के ऑफ़िस पर बीस रूँ वहाँ से हम इसका जो वहाँ पर कुछ मेरे साथी हैं जो मीडिया से हैं दिल्ली से उनसे मैं फ़ोन पर संपर्क करूँगा और वहाँ भी इसकी मैं न्यूज चलवाऊँगा यदि ये मीडिया के माध्यम से अगर इसके माँ बाप इसे पहचान लेते हैं तो ठीक है

देखो इसकी मम्मी का नाम शाइना परवीन है पापा का नाम क्या है रज़ाक रज़ाक है 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 और आपका नाम क्या है? सल्ली सल्ली तो ये एक तमाचा है, उन दंगा ही लोगों पर कि जो हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में दंगा करते हैं कि ये बच्चा अपना नाम बता रहा मुस्लिम माँ का नाम मुस्लिम बाप का नाम मुस्लिम दादा का क्या नाम बेटा है इस्लाइम इस इसराइल दादा का नाम इन्होंने बताया है इसराइल लेकिन जब इससे इस, इसका धर्म पूछा गया तो बोला हिंदू यानी कि इसको कुछ नहीं पता हिंदू मुस्लिम क्या होता है इसके कोई धर्म जात नहीं है ये बच्चा है मासूम तो इसलिए जाति धर्म के नाम पे देश में ये दंगा फिसाद करना बहुत ही गलत है उसी दंगे का मारा है ये मासूम बच्चा ना जाने इसकी माँ कहाँ है पिता कहाँ है इसकी बहन कहाँ है इसको कुछ नहीं पता ये सिर्फ भटक कर यहाँ किस हालात में आया है तो फ़िलहाल हमें मिला है तो बेटे आप कहाँ के रहने वाले हैं दिल्ली के अच्छा दिल्ली में कौन सी जगह पता बता बेटा अपना गादरी मस्जिद गादरी मस्जिद कादरी कादरी अच्छा और एक नंबर गली दिल्ली जो यूजर्स मेरे दिल्ली के मुझे देख रहे हैं वो ध्यान दें कादरी मस्जिद एक नंबर गली का ये पता बता रहा है तो बेटा आपका घर कैसा वहाँ पे घड़े से मकान मकान है झोपड़ी में रहते हो झुग्गी में रहते हो कि मकान में रहते बेटे मकान अच्छा मकान कितना बड़ा है बस ये कहता है ये कमरा है शायद मुझे लगता है कि yes. ये अच्छा बेटा आपके पिताजी क्या काम करता है ईट को काम ईट को काम करे के ऊपर नीचे नीचा अच्छा अच्छा तो बेटा तेरे तेरे जो बहन है तेरे जो भाई वो पढ़ने के लिए जाते हैं मेरे भाई पेंट काम करे पेंट को काम कर और मेरी बहन पढ़े कहां पढ़े है वो बेटा कुरान कुरान पढ़े है तो इसकी बहन कुरान पढ़ते भाई पेंट का काम करता है बाप चिनाई का काम करता है ईंटों का काम बता रहे तो शायद चिनाई का काम करता होगा और मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये जो बच्चा है किसी गरीब मजलूम परिवार से है और जो बता रहा है कि हमारा एक ही कमरा इस तरीके का तो कुल मिला के ये जो है किराए के मकान में शायद रहते होंगे मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं सभी यूजर से कहना चाहता हूँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जितने भी भाई दिल्ली में खासकर मुझे देख पा रहे हैं वो इस वीडियो को डबल शेयर करें और कोशिश करें इस बच्चे को पहचाने की इस वक्त ये मेवात के नू विधानसभा क्षेत्र के गाँव सलम्बा में है यहाँ से मैं इसको लेकर पुनाना विधानसभा क्षेत्र के गाँव बीसरू लेके जा रहा हूँ और जैसे भी किसी को पता लगेगा तो हम इस बच्चे को बिल्कुल उनके घर तक पहुँचाएंगे दोस्तों आप क्या चाहते हो अपने घर जाना चाहते हो हाँ आपको अपनी मम्मी की याद नहीं आ रही आ रही है कैसी याद आ रही बेटा बहुत अच्छा बेटा तू जब आ, सोयो कहाँ पे हो तू कोई घर सोयो कोई लूटा है के बच्चा होगा चल लुटा ले अच्छा तो किसने लूटा हो बेटा तू बस अड्डा पे अच्छा बस अड्डा पे लूटा है अच्छा का दिन आ दिन देर अच्छा देर यानी कल तो फिर हूं सो कैसे भगया हो तू उन्हें भगाओ तो आप आपो उन्हें भगाया उन्हें मन ना लग रो आ मन ना लग रो तेरो तेरे रहड़ी कहां सुलाओ बेटा तू को की खड़ी मन के हाँ। पहुंच जाऊं दिल्ली और मैं या के रोड या रोड पे जा रहा जब तो मैं पर, पर ल, जब एक दो मोटरसाइकिल आए खड़ा ये कह रहे यही दिल्ली जा रहा हूँ मैं मन के एक के अच्छा बेटा नू बता बेटा नू बता तू बेटा तू जब रात नू सोया या रहड़ी पर सोया तू ना अच्छा तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये डिप्रेशन का शिकार है इस टाइम ये जो बच्चा है किसी जब किसी ने बस अड्डे पर नहीं सोया था तो एक वहाँ पर रेहड़ी जैसे खड़ी कर जाते हैं एक टूटी सी रेहड़ी थी ये बच्चा उस रेहड़ी पे ही सोया है अच्छा रेहड़ी के रेडी रेहड़ी के ऊपर सोया था फिर रेहड़ी के नीचे सोया बेटा तो बारिश में नीचे हाँ तो ये रेहड़ी के नीचे सोया है फिर सुबह जब खड़ा हुआ है तो ये उस रेहड़ी को गाड़ी समझ के या फिर रेल समझ के और लेके चलता पड़ा और जब ये इससे मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा और जब ये सड़म्बा के पास पहुँचा तो आ, मैं दाद देता हूं यूसुफ भाई के लिए जिन्होंने इसको रोका है और इसकी जान बचा लिए न जाने कहाँ ये बच्चा जाता आ, तो फिलहाल आप क्या चाहते हो बेटा घर जाना चाहता घर जाना चाहता ठीक है बेटा तुझे तेरे घर पहुँचा देंगे ये फिलहाल सरपंच साहब है इनके लिए सरपंच साहब हज़ार रुपये अपनी तरफ से दे रहे हैं और जो भी शेय हुआ वो पूरा मिलेगा तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट भाई इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जैसे भी इसके माँ बाप इसके नहीं इसके जो तो भाई ये हज़ार रुपये हैं ये सरपंच साहब ने दिए सलम्बा के जो सरपंच आबिद हुसैन इस बच्चे के लिए ये मेरे पास रखे हैं और जैसे भी किसी को इसकी सूचना मिले हाँ। तो इस बच्चे को बीस रूम में आके आप ले जा सकते हैं और फिलहाल इतना ही फिर लेकर हाजिर होंगे इसी से इस जुड़े ताज़ा अपडेट तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवा ताज तक के साथ प्यारे दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए शेयर कीजिए यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए प्यारे दोस्तों यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए हमारे चैनल का अकाउंट नंबर और पेटीएम नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिया गया है तो दोस्तों फिलहाल इतना ही फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवा आज तक के साथ